केंद्र की मोदी सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क पर 20% की बड़ी कटौती का निर्णय लिया है। पहले निर्यात शुल्क 40% होता था। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लगातार मांग के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से जहाँ निर्यात में तेजी आएगी, वहीं राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को अच्छी कीमत मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% करने का फैसला किया है। इससे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने प्याज पर $550 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को भी अच्छी कीमत मिलने वाली है। हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है, उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको जीरो कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। पर निर्यात शुल्क में 20% की कटौती, महायुति सरकार प्याज उत्पादकों के साथ, प्याज उत्पादकों को अब मिलेगा बड़ा लाभ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।